हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर क्लास। आज की इस क्लास में हम एक कंफ्यूजन दूर करेंगे, किस जगह हम दिस का यूज़ करें और किस जगह हम इट का यूज़ करें। अब दोनों का ही मतलब यह होता है, हिंदी में अगर हम बात करें दोनों का मतलब होता है यह। किसी चीज़ के बारे में हम बोलते हैं ये मेरी है, ये उसकी है, ये ऐसी है। हिंदी में हमारे लिए एक ही वर्ड है यह, एक ही शब्द है हमारे पास, हम दोनों के लिए हम यह यूज़ करते हैं। लेकिन इंग्लिश में कन्फ्यूजन है क्योंकि कुछ एक माइनर डिफरेंस है दिस और इट में, कहाँ आप दिस लगाएंगे और कहाँ आप इट लगाएंगे। तो चलिए कन्फ्यूजन को दूर करते हैं, लेट्स स्टार्ट द क्लास। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, इनको मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूँगी और इस क्लास के बाद आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा मैं कौन सी जगह पर इट यूज़ करूँ और कहाँ दिस का यूज़ करूँ। फर्स्ट पॉइंट है, दिस क्या है, एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, वाइल इट इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन। मीन्स दोनों में बात अभी डेमोन्स्ट्रेटिव और पर्सनल किसी को समझ में नहीं आएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम दिस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है। आपको अभी नहीं पता था ये पेन किसका है, मैंने आपको ये इंट्रोड्यूस किया कि ये मेरा है, तो इसके लिए मैं दिस का यूज़ करूँगी। दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई बुक, ये क्या है, ये मेरी बुक है, ये मैं आपको बता रही हूँ। आपको नहीं पता था कि ये किसकी बुक है, मैंने आपको बताया, फर्स्ट टाइम मैंने आपको बताया। द पॉइंट इज़ फर्स्ट टाइम, आप इसको ध्यान रखेंगे, किसी भी चीज़ को आप फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके लिए आप दिस का यूज़ करेंगे। पहले मैंने आपको बताया दिस इज़ माई बुक, तो मैंने दिस का यूज़ किया। अब मैं बोल रही हूँ कि ये बुक फर्स्ट क्लास की है, इट इज़ फॉर फर्स्ट क्लास। अब मैं इसके लिए इट का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अब आप बुक से फेमिलियर हो गए हैं, बट अब मैं इसके बारे में आगे आपको कुछ बताऊँगी तो मैं इसके लिए इट का यूज़ करूँगी, क्योंकि वो इट इस बुक को रिप्लेस कर रहा है। दैट मीन्स ये प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, बुक इज़ अ नाउन, नाउन को रिप्लेस करके इसके बारे में मैं बता रही हूँ कि इट इज़ फॉर फर्स्ट क्लास, ये फर्स्ट क्लास के लिए है। तो ये जो इट यूज़ हुआ ये किसके लिए हुआ, बुक के लिए यूज़ हुआ, इस बुक को रिप्लेस करके मैंने इट का यूज़ किया। आपको समझा पा रही हूँ, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। मुझे ये बताना है ये पैकेट मेरा है, इसमें बहुत सारे बटन्स हैं, तो सबसे पहले मैं इसको, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको दिखा रही हूँ, तो मैं इसको दिस बोलूँगी, दिस इज़ माई पैकेट, ये पैकेट मेरा है, दिस इज़ माई पैकेट। अब मैं इसको बोलूँगी इट हैज़ मैनी बटन्स, इसमें बहुत सारे बटन्स हैं। दिस फर्स्ट सेंटेंस में मैंने दिस का यूज़ किया क्योंकि आप इसे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपको इसका पता नहीं था, मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया इससे। सो एक ये नॉन लिविंग थिंग का ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। इसका यूज़ हम लिविंग बींग्स के केस में भी करते हैं, यही पॉइंट आपको ध्यान रखना है। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इस केस में भी इस चीज़ का ध्यान रखना है, फर्स्ट टाइम अगर आप किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं लिविंग बींग को, तो भी आप दिस का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ माई वाइफ, दिस इज़ माई ब्रदर, दिस इज़ माई हस्बैंड, तो इस तरह से भी हम इसका यूज़ करते हैं। लिविंग एंड नॉन लिविंग के केस में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ अ सेकेंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये पर्सनल प्रोनाउन है, जैसे और प्रोनाउंस होते हैं ही शी दे वी, मीन्स जो नाउन की जगह यूज़ होते हैं उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं। सो इट क्या है, एक पर्सनल प्रोनाउन है, ये नाउन को बस रिप्लेस करता है। एंड दिस क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव है, ये किसी भी चीज़ को इंट्रोड्यूस करने में आपकी हेल्प करता है, ये काम सिर्फ दिस कर सकता है, इट नहीं कर सकता है। जैसे कि मैंने अभी आपको पैकेट बताया, इसको मैं अगर आप फर्स्ट टाइम मैं आपको दिखा रही हूँ तो मैं इसको ये नहीं बोलूँगी इट इज़ माई पैकेट, नो दिस इज़ रॉन्ग। अगर हम इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो ये रॉन्ग हो जाएगा। मैं इस केस में दिस का ही यूज़ करूँगी, दिस इज़ माई पैकेट, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इसे मिल रहे हैं। ऐसे ही लिविंग बींग्स के केस में भी ऐसा है, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड से मिल रहे हैं तो मैं बोलूँगी दिस इज़ माई हस्बैंड, इट इज़ तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, बिकॉज इट हमेशा हम नॉन लिविंग के केस में यूज़ करते हैं, इट हम लिविंग बींग्स के लिए नहीं करते हैं। इवन दो फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए आप इट का यूज़ करते हैं, ये हम किंडरगार्टन में पढ़ते हैं।
एनिमल्स के लिए हम इट का यूज़ करते हैं, ही या शी हम नहीं करते हैं, हमेशा हम इट यूज़ करते हैं. कम टू द थर्ड पॉइंट, डज नॉट रिप्लेस एंड रिप्लेसेस द नाउन. इट क्या करता है, नाउन को रिप्लेस करता है. जैसे कि मैंने अभी बताया, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, दिस इज माई कार. ये क्या हुआ, फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन है, दिस इज़ माई कार. मैं बता रही हूँ ये कार मेरी है. अब मैं इसके बारे में बता रही हूँ तो मैं इट का यूज़ कर रही हूँ. इट इज़ रेड इन कलर. ये रेड कलर की है, मेरी कार है. जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताया तो मैंने दिस का यूज़ किया. अब मैं उसके बारे में और बता रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, इट का यूज़ कर रही हूँ. तो यहाँ ये इट जो है ये क्या कर रहा है, नाउन को रिप्लेस कर रहा है. नाउन मीन्स कार, ये कार को रिप्लेस कर रहा है. बार बार मैं ऐसे तो नहीं बोलूँगी कार कार कार, ऐसा नहीं होता है. बार बार मैं ये नहीं बोलूँगी, इसलिए प्रोनाउंस बनाए जाते हैं. इस केस में इट का काम सिर्फ इतना है. साथ में एक पॉइंट और क्लियर करना चाहूँगी, कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जैसे डेट, डे, टाइम एंड वेदर. जब भी आप इनमें से किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ डेट, डे, टाइम एंड वेदर, इन चीज़ों के लिए जब भी हम बात करेंगे तो हम ऑब्वियसली इट का यूज़ करेंगे, दिस का यूज़ हम नहीं करेंगे. जैसे अगर आपने आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज़ द डेट टुडे, आज की डेट क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, इट्स. आप शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं और आप इट इज़ भी बोल सकते हैं. इट्स 30th September 2023. आप इट्स का यूज़ करेंगे. डे, आप अगर डे बताएंगे तो क्या बताएंगे, इट इज़ थर्सडे, इट इज़ वेडनेसडे, तो डे के लिए भी हम इट का यूज़ करते हैं. टाइम, व्हाट्स द टाइम, टाइम अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप तब भी इट का यूज़ करेंगे. इट इज़ 2:30, दिस इज़ 2:30, दिस इज़ 11:30, दिस इज़ 12 o'clock. इस तरह से हम नहीं बोलते हैं. डेट, डे, टाइम एंड वेदर. अगर आपसे पूछे हाउ इज़ द वेदर टुडे, वेदर अगर आपसे कोई पूछ रहा है आज वेदर कैसा है, तो आप क्या बोलेंगे, इट इज़ वेरी सनी, इट इज़ सनी डे, इट इज़ हॉट डे, इट इज़ रेनी डे. बट इसको हम दिस नहीं बोलते हैं, दिस इज़ हॉट डे, दिस इज़ रेनी डे, नो. सो इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, डेट, डे, टाइम एंड वेदर. इस केस में भी हम हमेशा इट का यूज़ करते हैं. पॉइंट, यूज टू इंट्रोड्यूस समथिंग और समवन फॉर द फर्स्ट टाइम. फर्स्ट टाइम अगर हम किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी चीज़ को या फिर किसी इंसान को, क्योंकि ये लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज़ होता है, इसलिए मैंने समथिंग और समवन लिखा है. अगर आप फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप दिस का यूज़ करते हैं. एंड इट का यूज़ कहाँ होता है, इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज़ ऑलरेडी नोन, जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं, जिसको आप पहले से जानते हैं, उसके लिए हम फिर इट का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल्स आप देखेंगे, जैसे कार, फोन, वाइफ, हस्बैंड, फादर, एक्सेट्रा, लाइक नॉन लिविंग एंड लिविंग दोनों ही इसमें आ जाते हैं. बट द मेन पॉइंट इज़ द फर्स्ट टाइम. इसमें एग्जाम्पल मैंने कार और फ़ोन दोनों ही इसलिए भी लिखे हैं सेम पॉइंट्स, बिकॉज अगर आप फर्स्ट टाइम बात करते हैं तो आप दिस का यूज़ करते हैं, बट अगर उसके आगे आप इसी चीज़ के बारे में या उसी इंसान के इंसान तो सॉरी इंसान के बारे में आप इट यूज़ नहीं करेंगे. तो अगर आप इसी के बारे में बात कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप इट का यूज़ उसके बाद कर सकते हैं. जैसे हाउस, एनी एनिमल, एक्सेट्रा, मतलब कोई भी एनिमल, अगर हम किसी के बारे में एनिमल के बारे में हम बात करते हैं तो हम इट का यूज़ करते हैं. यहाँ पर हाउस, हाउस अगर मैं आप फर्स्ट टाइम आपको अपना हाउस दिखा रही हूँ तो मैं बोलूँगी दिस इज़ माई हाउस. फिर उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, इट हैज़ प्रॉपर वेंटिलेशन. इसमें क्या है, प्रॉपर वेंटिलेशन है. तो मैंने उसके लिए अब हाउस के लिए इट रिप्लेस कर दिया, क्योंकि ये पर्सनल प्रोनाउन की तरह काम करा इसने, इट ने. होप आज की क्लास से आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी, हमें कहाँ दिस लगाना है, कहाँ इट लगाना है. अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना, अगर आप भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो. एंड अगर आप पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बाय बाय.